तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते अच्छे ही होंगे। तो हमारी इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब देखिए और मस्ती कीजिए और मुझे भी आप लोग आप अपना प्यार दुलार दीजिए, मुझे भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो प्लीज़ आप लोगों से कान पकड़ कर सॉरी जो गलती हो गया मुझसे। तो दोस्तों क्या ही बताएं, आज घूमने जाने का प्लानिंग चल रहा है पर शायद ही जाए, सर में इतनी दर्द हो रही है, रहा भी नहीं जा रहा, इतनी दर्द हो रही है। तो दोस्तों बहुत मन करता अपने घर जाए, क्या करें, मन तो बहुत करता है पर आप लोग जाने देंगे तब ना। शायद गोरखपुर जाऊं तो उस टाइम घर से होकर आ जाऊं, मेरा दोनों काम हो जाएगा, प्रिया से मिल भी लूंगी और अपनी घर भी चली जाऊंगी। तो आप लोग बताइए कमेंट करके मेरा प्लानिंग कैसा रहा। तो दोस्तों मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, हमेशा तबीयत ख़राब होते रहता, आज भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था पर बताए नहीं, फ़ोन वोन करके किसी को नहीं बताए, अभी तक इनको भी नहीं बताए, क्या ही बताए, हर रोज़ एक ही बात, क्या बताए, क्या करें दोस्तों, बहुत परेशानियाँ होती हैं पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हम घर जाएं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जैसे सबको करते हैं इसी तरह मुझे भी कीजिए ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं, मुझे भी मिलना अपने पापा से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बेटे से, सबसे मुझे भी मिलना, एक खास करके है कोई उनसे भी, बताओ देखेंगे तो चिरेंगे, कोई बात नहीं। और बहुत लोग हैं ना भोसरी वाली जो लोग मुझे गाली देते हैं गांव पे, वीडियो बनाती है, ऐसे करती है वैसे करती है, तो ये चीज़ बताइए, मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे भी रहूँ, सूट पहनूँ या टॉप पहनूँ या फ्रॉक पहनूँ या कुछ भी पहनूँ या ना पहनूँ, उसका क्या जाता है, वो चीज़ तो मुझे सोचना है ना, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ऐसे ऐसे छुलकुतरी रंडी को मुसरा मारी को तो सबसे पहले उपाय करेंगे जिस दिन सामने में आएंगे उस दिन फिर पता चलेगा निधि सिंह राजपूत कौन है। ठीक है, मैं जितनी अच्छी हूँ ना उतना ही जब अपने जीत पे आ जाऊँ अपने आप पे आ जाऊँ तो उतना ही बुरी भी हूँ, सुन लो कान खोल के, दुश्मनी करना तो सामने से कर लेना ठीक है, और ऐसे ताना मत मारना, जिस दिन हमने फिर से दोबारे से सुन ली ना उस दिन फिर ब्लॉग डालूँगी बनाकर नाम रख के, जो उखाड़ना ना उखाड़ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी घटिया औरत से मुंह लगाना अभी हम ज़रूरत नहीं समझते हैं, जिस दिन सामने पढ़ेंगे उस दिन फाड़ के रख दूंगी, याद रखना भोसरी वाली रंडी, फाड़ के रख दूंगी, क्या समझ रखी अरे रंडी, ए कुत्ती क्या समझ रखी है तुरे, मेरे पर दर करेगी, कभी नहीं कर सकती भोसरी वाली रंडी, कुत्ती हरम जाती बेशरम इंसान। तो दोस्तों इनको गाली देने का इसलिए मन कर रहा है, हम उसको रिश्ते में क्या लगते हैं पर समझती नहीं इन चीज़ों को, सिर्फ अपनी बेटी को समझती है, मेरी बेटी ये है मेरी बेटी वो है, हम भी किसी की बेटी है समझ जाना ठीक है, और बहुत इज्जत कर दिए, शायद तब नहीं करूँगी इज्जत, ऐसी ऐसी रंडी लोगों को मैं इज्जत करूँगी,
भी मैं, मुझे नहीं करना ऐसे लोगों का ही। ऐसे ऐसे रंडी को तो इज्जत मैं कभी नहीं दूंगी। भोसरा माड़ी को भोसरा फाड़ दूंगी जिस दिन आ जाऊंगी उस दिन। अब कहाँ डालूंगी या कहाँ से निकालूंगी ये तो उस टाइम पता चलेगा मैं क्या करूंगी। याद रखना, अपनी बहू बेटी के चुंगली करके पेट नहीं भर रहा है कुत्ती, मेरी चुंगली करने चलती है। रुक रंडी, तेरे को मैं बताती हूँ, जब घर आती हूँ फिर देख लिए, देख लिया जितना देखना होगा मुझे। मैं तेरे को दिखाने के लिए ही आऊँगी स्पेशल, देख कितना देखेगी मुझे, कितना देखेगी काली कर लूठी, कितना देखेगी मुझे तू, और कितना सताएगी मुझे। मैं जितना चुप रहती हूँ ना उतना लगता है कि दोस्तों चुप रहने की गुजारा नहीं है। ये लोग मुझे शुरू से ही नहीं पसंद करते हैं, मुंह पे पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों का हिसाब से मैं नहीं चलती हूँ। इस करके उन लोगों का हिसाब से जब मैं चलूँ ना तो शायद मेरे को ये लोग पसंद करेंगे, तो मैं इन लोगों का हिसाब से नहीं चलती हूँ। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मैं दूसरे के कहने पर नहीं चलती, मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ, ना कि किसी के कहने पर चलती हूँ। चल बकरिया, हुई हुई बकरिया लोग समझ लिया तू, बकरी तो तू खुद दे है, और का बनाऊंगी आने के बाद, ऊँट बहेड़ा चोदी तेरे को पता चलाऊंगी। रुक जा तू, जिस दिन मैं आ गई, मेरा तो इतना मेरा मन दुखी होता है ना तुम लोग का बात सुन सुन करके, जी तो करता है कि हार दूंगा, फिर पता चलेगा मैं क्या हूँ और मुझे कुछ बोलने का नतीजा क्या होता है, उसका एक चाम क्या होता है, समझ जाएगी, बहुत जल्द समझेगी तू। मैं तेरे को समझाऊंगी, और समझाना आज से नहीं, काफी दिन से मैं समझाना चाहती हूँ कि मेरे पीछे मत पर, नहीं तो मैं, याद रखना मैं कौन हूँ। अभी तक तो इतना ही पता होगा, सिर्फ निधि ही है, अब भूल जाना पहले वाली निधि अब नहीं है, अब वो निधि बन गई है। अक्सर टूट कर जुटना सीखी है। मैं तो फाड़ूंगी तेरे को जिस दिन मैं तेरे सामने आ गई ना, उस दिन ऐसा करूंगी कि तू याद रखेगी, कभी नहीं भूल पाएगी, कोई सूरत में नहीं मुझे तू भूल पाएगी। जब भी आंखें बंद करेगी ना तभी मैं याद आऊंगी, कांप जाएगी, इस तरह कांपेगी। मैं तेरा काला चिट्ठा खोलूंगी, टेंशन मत ले, पता मुझे सब कुछ, बातें हो गया है उससे, सारी बातें की पता मुझे, तूने क्या किया उसके साथ, तू भी समझ रही है मैं किसके बारे में कह रही हूँ, समझी। बातें करती है तू, बातें करेगी उससे, हाय अपनी बेटी से तो इतना लाड नहीं मिलता, तो दूसरे को बेटी को ऐसे करती है, ये भगवान, राम राम राम। ऐसी परिवार किसी को ना दे, परिवार के लोग सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है दोस्तों, ये पारिवारिक मैटर है। बातें करेगी ना, मैं बातें करवाऊंगी तेरे को, टेंशन मत ले। तू क्या कहती है, कितनी चुंगली करती मेरी, क्या क्या कहती है मेरे सामने बोल दी, फलाने की बेटी वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, देखा ना कुत्ते की तरह दौड़ती है, देख के रहा नहीं जाता हरमजादी रंडी। तो दोस्तों आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, जो मेरे को बोली थी मैं उनको बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था, हमने एक बार बीच में कॉल किए थे तो उस टाइम मेरा बेटा भी यही चीज़ें बता रहा था, मम्मी ऐसा ऐसा बात है।
हमने अपनी माँ से पूछे तो मेरी माँ ने भी बोले कि हाँ सही बात है। तो हमने उसी दिन ठान ली थी, मेरी माँ ने मना कर दी कि नाम धर के वीडियो मत बनाना, हमने अपनी माँ को भी बोला था मैं वीडियो डालूँगी। तो मेरी माँ उस टाइम तो मना की थी, पर मेरे को जब जब याद आता है तब तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। अभी मेरे को बहुत सारे काम करना अपनी ज़िंदगी में, अभी हमने कुछ नहीं किए, अभी मेरा सब कुछ बाकी है। अपने दम पे बहुत कुछ मुझे करना है। सबसे पहले तो जो भी लोग मुझे भला बुरा बोलते हैं उनको तमाचा जवाब देना है ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं जल्द से जल्द उन लोगों को जवाब दे पाऊँ। तो बाय, फिर से मिलते हैं जी।